एवरीबडी, मैं हूँ कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं कि आज हमारी फिल्म का लॉन्च है। फिल्म का नाम है, बहुत माइंड ब्लोइंग टाइटल मिला है जो पूरी दुनिया जानती है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। बहुत अलग अलग कॉमेडी फिल्में करते हैं हम लोग, एंटरटेनिंग फिल्में ही की, जैसे बोल बच्चन एंटरटेनमेंट, अभी और एक दो फिल्में आ रही हैं। लेकिन कुछ ये डायरेक्टर जो हमारे दिनकर जी अब्बास मुस्तान जी के साथ एसोसिएट रह चुके हैं कई सालों तक, तो ये एक सब्जेक्ट लेकर आए जो कि थ्रिलर था। तो फर्स्ट टाइम मैं एक्साइटेड हुआ यार, किसी ने कम से कम कोई थ्रिलर पिक्चर तो ऑफर की और एक ऐसा रोल ऑफर किया। बहुत ही अलग अलग शेड्स हैं इस रोल के अंदर जो मैंने आज तक कभी टेलीविज़न पर भी नहीं किए ना फिल्मों में किए हैं, जो भी 3-4 फिल्में की मैंने, तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट होगा और लोगों के लिए भी डिफरेंट होगा मुझे देखना इस तरीके से। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। पहली बार गाना गा रहे, हाउ यू फील गाना? मुझे थोड़ी बहुत टेंशन तो थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, क्योंकि जैसे बोलते ना वो एंटरटेनमेंट जैसे हमारे ब्लड में है, वैसे सिंगिंग फैमिली से भी हूँ मैं। गोविंदा जी की जो मदर है मेरी नानी, बहुत फेमस ठुमरी का सिंगर थी निर्मला देवी जी, मेरी मदर भी गाती थी, सब लोग मेरे घर में सभी गाते हैं। गोविंदा जी ने भी बहुत सारे गाने गाए हैं फिल्मों में। मेरा थॉट नहीं था ये गाना गाने का, ये जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राम जी और हमारे डायरेक्टर दिनकर जी बोलते हैं, मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, मैंने बोला यार तेरे को स्टेज पे भी गाते देखा है, एक तो लाइन तो गाता ही है, तो एक काम कर तू इस बार गाना गाते। मैंने कहा अरे यार मैं पिक्चर में गाना गाऊँ पता नहीं कैसे रहेगा, लेकिन पहले मुझे गाना सुनाओ गाना है कौन सा। तो टाइटल सॉन्ग जो है पुष्पा आई हेट टीयर्स, बहुत वैसे अपनी सब तारीफें करते हैं अपने जब लॉन्च वॉन्च होते हैं, हमारा ये अच्छा हमारा वो अच्छा। एक लाइन गा के तो सुना दो, एक आध ही सुनाऊंगा नहीं तो बाद में बोलेंगे ऐसा खराब, बाकी ट्यूनिंग होती है गाने की वो स्टाइल में। एक लाइन अभी मैं गा रहा था अंदर से भाग कर आया, आजा सी दोनों आज चिल करिए, बैड वाली फीलिंग नु किल करिए, आजा सी दोनों आज चिल करिए, बैड वाली फीलिंग नु किल करिए। अब ज़्यादा नहीं, अंदर जब आप आएंगे तो ज़्यादा सुनिए। पंजाबी फ्लेवर का गाना है और बहुत ही टेक्नो है, तो पुराने टाइप का नहीं, जैसे कि हमारा डायलॉग बहुत पुराना है पुष्पा एट ईयर्स, तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा गाना होगा पुष्पा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही टुडेज सॉन्ग, क्लब वाला टेक्नो गाना है। इसमें सारे नए स्टार कास्ट है एक्सेप्ट यू, तो क्या कहना चाहेंगे? बस डर के रहे हैं क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है मेरे मजाक कर, बहुत अच्छे कार्तिक नई स्टार कास्ट नहीं, कार्तिक कन्नड़ फिल्में कर चुका है, 20-25 फिल्में कर चुके हैं, कई हिट फिल्में दे चुका है, तो कार्तिक की भी पहली ये हिंदी फिल्म है जो ये करेंगे। इससे पहले टेलीविज़न में उन्होंने अभी जब स्टार पे वो महाभारत हुआ था तो उसमें रावण का मेन नेगेटिव रोल किया था इन्होंने और बहुत अप्रिशिएट हुआ था। तो इस फिल्म में लेकिन बहुत सीधा साधा रोल है कार्तिक का। प्रोड्यूसर तो सारे ही अच्छे होते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा देते हैं, पैसा खर्चते हैं, सबको बांटते हैं, तो प्रोड्यूसर्स तो सभी, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ हमारे सारे प्रोड्यूसर्स। म्यूजिक डायरेक्टर फैंटास्टिक राम जी, बहुत डीजेइंग करते हैं, बहुत सारे शोज करते हैं, अभी एक आध उर्वशी रौचेला की एक फिल्म कर रहे हैं अभी, ये उनकी सेकंड फिल्म है, तो बहुत कमाल का उन्होंने गाना दिया, नहीं तो मैं खुद गाता नहीं, मुझे कोई ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि कोई स्टेज शो पे गाना गाने का, तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने बोला मैं गाना गाऊंगा। थैंक यू कृष्ण, थैंक यू सर। साउथ इंडस्ट्री का इस कनाडा एंड उधर एक 9-10 मूवी में लीड रोल किया है एंड अभी तो तीन मूवी का रिलीज होना है उधर एंड दिस वुड बी माय फर्स्ट मूवी इन बॉलीवुड, तो एंट्री होगा बॉलीवुड में, वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपके डायरेक्टर के बारे में बताइए, आपके डायरेक्टर के बारे में बोलना है तो फर्स्ट आई थिंक सो लास्ट सितंबर उनको मिला मैंने एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस, उनका स्टोरी सुन के बहुत इम्प्रेस हुआ और उनके बारे में जब मैंने पूछताछ की वॉज वर्किंग फॉर अब्बास मस्तानी जी, सो यस डन लॉट ऑफ वर्क, सो स्टोरी बहुत एक्साइटिंग था, सो ऑब्वियसली my first preference was the director, the way he narrated the movie was bahut acha tha and his past experience is really good. About my character, it's like a businessman role isme and uska lovable side bhi aata hai aur grey shade bhi aata hai baad mein,
ज़्यादा प्यार में पड़ जाता है. सो दिस द कैरेक्टर. हाउ यू फिट टुडे यू आर एंटरिंग बॉलीवुड? वेरी गुड एक्चुअली. इट्स अ नाइस फीलिंग क्योंकि बॉलीवुड की एंट्री है मुझे एंड एक अच्छा सा मूवी में एंट्री कर रहा हूँ लाइक अच्छे से डायरेक्टर के साथ एंड एक अच्छा सा टीम है एंड इट्स नाइस दैट बॉलीवुड इज वेलकमिंग मी विद बोथ देयर हैंड्स. थैंक यू. Hello everyone, this is Adia Thakur. You all know this is my debut in Bollywood. So I'm very excited, a little nervous also. All I want from you all is all the love and blessings for my career. And I really wish that I'm going to do well. How you feel today? Because Govinda's nephew is working with you. I mean, when the project came up to me, I couldn't believe myself that I'm actually giving my debut with such renowned personalities. So, also my friend. What is the highlight of the movie? Your acting, direction, subject, your poster or music? The best part of this, we still haven't started shooting. We're shortly starting. Today is Arambhura. And the best part about it is the music. I've still come across listening to all the music tracks. It's awesome. I'm sure it's going to be a hit. How about your director, Mr. Dilkar? He is, I'll tell you, a very strict person, but in real life, he's very friendly, very supportive. What film's highlight kya hogi aapki? Sabse direction, subject, ya aapki acting, ya aapki baat hogi? Hamare hisab se ab tak jo tracks humne suna hai, I think the tracks is going to be what will be very attractive in the story. Star cast to hai, both Mr. Jairam Karthik and Krishna Ji. They are very supportive and very helpful. Apart from that, it's going to be a musical track. So, name, we are all going to come. Thank you very much. अब जैसा कि आप जानते हैं कि उनके अंदर अपने नाना की एक्टिंग और इंदिरा देवी की सिंगिंग का गुण दोनों है और उनके मामा गोविंदा जी जो एंटरटेनमेंट नंबर वन है वो भी उनके अंदर टूट टूट के भरा हुआ है. अब ये सब को हम मिक्सर करके हमारी पिक्चर के सामने पेश करना चाहते हैं. इस पिक्चर में कृष्णा जी के अलावा और कौन कौन आर्टिस्ट हैं? इसमें हमने साउथ के कन्नड़ पिक्चर के हीरो हैं जयराम कार्तिक उनसे उनको लिया है और एक लड़की है अत्या ठाकुर जो कलकत्ता से है उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हमने सुना है कि आप बहुत साल तक के और कई फिल्मों में अब्बास मुस्तान के एसोसिएट डायरेक्टर रहे. ये बात कहाँ तक सच है? कौन कौन से फिल्में की थी? किस किस सितारों के साथ काम किया? सर बहुत साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में. अब्बास मुस्तान भाई से मैंने करियर अपना स्टार्ट किया था. खिलाड़ी पिक्चर में मैं असिस्टेंट था, बाजीगर में था, सोल्जर में था, दरार में था और सब बड़े आर्टिस्ट के साथ बहुत मैंने काम कर चुका हूँ. शाहरुख भाई से ले लो, अक्षय कुमार, काजोल, शिल्पा शेट्टी, सबके साथ में काम. जब आपने इन बड़े बड़े स्टारों के साथ में काम किया है तो क्या वजह है कि आपने इस फिल्म में सारे नए आर्टिस्टों को लिया है? बजट, बजट को देख के कि हम जो बजट जिस बजट में पिक्चर बनाना चाह रहे हैं उस बजट में आकर उनको अप्रोच करूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल. आपके हिसाब से क्या बजट से फिल्में बनती है या डायरेक्शन से बनती है या सब्जेक्ट से बनती है? सर तीनों चीज़ों से बनती है लेकिन बजट आजकल तो थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है बिकॉज स्टार के बजट बहुत होते हैं. आपकी फिल्म के हाईलाइट क्या रहेगा? म्यूजिक रहेगा, डायरेक्शन रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा या स्टार कास्ट? 100% बस सबसे पहले तो सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए. सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और रामजी गुलाटी हमारे म्यूजिक दे रहे हैं तो हमने उनसे म्यूजिक भी अच्छा निकाल लिया है. सब्जेक्ट अच्छा होगा, म्यूजिक अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा तो बाद में ऑडियंस कितना पसंद करेगी वो थिएटर में पता चलेगा. इस फिल्म का हाईलाइट क्या होगा, सब्जेक्ट या म्यूजिक? 100% सब्जेक्ट. इस फिल्म की शूटिंग कब कहाँ शुरू करेंगे, कब कंप्लीट करके रिलीज करने के इरादा? ये 19 मई से हम बॉम्बे में शूट स्टार्ट कर रहे हैं और ये वन शेड्यूल हमारी पिक्चर है. अक्टूबर नवंबर में हमारी पिक्चर ये रिलीज होगी. थैंक यू सर जी. भाई अमूल्य कुमार दास, ये जो पिक्चर वो पुष्पा हाई हेड थी उसका प्रोड्यूसर हूँ. मैनोर नाम है फिल्म्स एट द रेट एक्टिव. और ये जो आज जो हम मुहूर्त कर रहे हैं ये गाने के साथ ही मुहूर्त कर रहे हैं जिसमें कृष्णा अभिषेक गाना गा रहे हैं और रामजी गुलाटी भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं. इस फिल्म में स्टारकास्ट क्या है? इस पिक्चर में स्टारकास्टिंग है कृष्णा अभिषेक और जयराम कार्तिक और एक न्यू हीरोइन हम इंट्रोड्यूस कर रहा है वो है आद्या ठाकुर.
आपने दिनकर ठाकुर को ही अपनी फिल्म का डायरेक्शन क्यों दिया? दिनकर जी का बहुत एक्सपीरियंस है और आपा सुल्तान जी के पास एसोसिएट डायरेक्टर थे और इनका भी भोजपुरी पिक्चर ही बहुत कुछ किया। भोजपुरी के नाम से बनाई है तो कितनी फिल्में बनाई हैं? और नहीं, एक्चुअली मैं बेसिकली FT IT का मैं स्टूडेंट हूँ, जिसमें मैं डायरेक्शन स्क्रीन प्ले राइटिंग एंड टीवी प्रोडक्शन कोर्स कंप्लीट करके मैं बॉम्बे में था। मैं वीपी सिंह के पास मैंने एसोसिएट डायरेक्टर था। फिर के विश्वनाथ जी के पास भी मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया। फिर ओडिशा में मैंने ETV का पहला सीरियल डायरेक्ट किया प्रायश्चित करके। फिर ओडिया में एक पिक्चर बनाया। फिर कुछ दिन गैप के बाद मैंने सोचा कि तुम प्रोड्यूसर बन जाओ, फिर आ गया मुंबई प्रोड्यूसर। थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज रामजी गुलाटी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म पुष्पा 8 years एंड आई एम लविंग बीइंग अ म्यूजिक डायरेक्टर। आज कृष्णा से आपने गाने गवाया, आप चाहते थे किसी और सिंगर से भी गवा सकते थे, तो वाई वंदे कृष्णा? नहीं, कृष्णा सच अ टैलेंटेड पर्सन, जितने अच्छे वो एक्टर हैं उतने अच्छे सिंगर हैं। एंड इसका रीज़न ये है कि उनके रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट फ्रॉम उनके नाना नानी, एवरीबडी इज फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। एंड ऑब्वियसली सब पता है कि कृष्णा और गोविंदा जी एंड जो है इतने गुणी फैमिली है, उनके एक्टिंग से लेके सिंगिंग से लेके दे आर सो वेरी वेरी वेल टैलेंटेड। और मेरा हमेशा ऐसा एक सपना था कि मैं कृष्णा को साथ एक गाना करूं, क्योंकि मैं कृष्णा के शोज़ देखता हूं, वो हर शो में गाना गाते हैं, एक्टिंग तो करते ही हैं लाजवाब, लेकिन वो गाना भी इतना अच्छा गाता है। तो मेरी हमेशा से एक इच्छा थी कि मैं कृष्णा के साथ एक गाना करूं। और वेरी वेल थैंकफुल टू गॉड कि आज हमें मौका मिला और आज उन्होंने वन टेक में पूरा गाना उड़ाया। एंड इट्स लाइक अ ब्लेसिंग एंड ही इज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक सिंगर। जितने अच्छे एक्टिंग करते हैं उतने अच्छा गाते हैं। टोटल कितने गाने होंगे, किस मूड के होंगे? इस पिक्चर में टोटल हमारे 5 songs हैं और हम कोशिश करके म्यूज़िक हर गाने का एक अलग जॉनर में कर रहे हैं। नचाना तो ज़रूर है हर गाने का, बट एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक नंबर किया है हमने, दो पार्टी सॉन्ग किए हैं और सिडक्शन सॉन्ग को हमने एज अ सिडक्शन सॉन्ग नहीं किया है, उसको भी हम पार्टी के मूड में ले आए हैं। तो कुछ अलग आपको सुनने मिलेगा, लिरिक्स, हुक लाइंस, and most of all you'll get to hear Krishna as a singer in the movie, so it's going to be exciting. Aaj ke Krishna ka solo song tha ya duet? Nahi, Krishna ka maine meri khud ki demand ki hai Krishna solo gayenge, kyunki wo itna acha gaate hain, and really want to work with him as a singer ki wo gana gaye. Unka pehla gana hai mere sath, to hum main hi director producer sare excited hain aur unhone itna acha gaya hai ki सारे जो जेन्यून सिंगर्स भी हमारे में सोचेंगे अरे यार कृष्णा सच्ची में गाते हैं। दैट्स गोइंग टू बी द रिएक्शन फॉर एवरीवन। इसमें लिरिक्स राइटर कौन कौन है? इसमें लिरिक्स राइटर है और जूनियर है और एक सिलेक्टिव जो गाना किया है वो मैंने किया है। एंड सिंगर्स में हमारे साथ मुक्ता शर्मा जी ने भी गाया है और बहुत ही अच्छे सिंगर आनंद वाजपेयी जी ने गाया है और आकांक्षा शर्मा, ज्योतिका टंगरी। तो वी गॉट ऑल द बेस्ट सिंगर्स सिंगिंग ऑल द सॉन्ग्स। और एक बहुत ही जो हमारा प्रमोशनल सॉन्ग रहेगा वो गुड न्यूज़ जो है हम बहुत जल्दी शेयर करेंगे, उसमें वेरी बिग कोलैबोरेशन। थैंक यू मिस्टर राम।